लेटेस्ट और अपडेट न्यूज के लिए यूपी पुलिस लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर न्यूज का अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 506 और 504 के बारे में, और दोस्तों आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर किन कारणों से जो है धारा 504 और 506 302 से भी खतरनाक होती है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी क्या है। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा किए गए क्राइम को डिफाइंड किया गया है और उसके लिए सजा या पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। आईपीसी को 1860 में ब्रिटिश काल में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर और इंडियन मिलिट्री को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इंडिया के साथ साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में आईपीसी लागू है। चलिए बात करते हैं आईपीसी की धारा 504 क्या कहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है या उसकी इंसल्ट करता है, कोई क्राइम करने के लिए उसको उकसाता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 504 लगती है। इसको आप आसान से शब्दों में ऐसे समझिए कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की इंसल्ट करता है या अपमान करता है और वह जानता है कि अगर मैं इसका अपमान करूंगा तो यह कोई क्राइम करेगा, तो उस पहले व्यक्ति पर जो अपमान करता है आईपीसी की धारा 504 लगती है। आईपीसी की धारा 504 में 2 साल की सजा का प्रोविजन दिया गया है। आईपीसी की धारा 506, यदि कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को धमकी देता है, जैसे कि किसी को जान से मारने की धमकी देना या किसी को आग से जलाना या किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा के जलाकर खत्म कर देना या किसी का रेप करने की धमकी देना, तो इस तरह की धमकी आपराधिक यानी क्रिमिनल धमकी कहलाती है। ऐसी धमकियां देने पर आईपीसी की धारा 504 लगती है। धमकी के साथ साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी इज्जतदार औरत की आबरू पर उसकी इज्जत पर लांछन लगाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 504 लगती है। इसको आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे क्राइम के लिए धमकी देता है तो उस क्राइम को करने पर कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है या मौत की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 506 में 7 साल की सजा या जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रोविज़न किया गया है। आईपीसी की धारा 506 में गवाहों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर पीड़ित यानी जिसको धमकी दी गई है वह कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसको किस चीज़ की धमकी दी गई है तो आईपीसी की धारा 506 धारा 302 और 307 से भी खतरनाक होती है। तो दोस्तों अगर ये खबर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमारे YouTube चैनल की वीडियो को लाइक करें, और अगर ये खबर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों धन्यवाद।